हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल इजी रेसिपी एंड व्लॉग विद रितु शर्मा में। तो आज हम लोग जो है दही वाली गोभी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गोभी को धो करके अच्छे से साफ करके कट कर लिया है। तो आप इस तरह से करें। और अब हम लोग जो है गोभी के अंदर क्या करेंगे, बेसन डालेंगे। तो बेसन जो है मैंने यहाँ पे कच्चा ही लिया है, इसको भुना नहीं है। तो आप भी इस तरह से डालें, इससे क्या होगा कि गोभी का जो पानी है वो ये बेसन जो है सोख लेगा और इसके अंदर जो है एक अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, अब थोड़ा नमक डालेंगे और इसको जो है हम लोग चम्मच वगैरह से नहीं, हाथ से ही अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि हाथ से जो है अच्छे से इसमें जो बेसन है वो मिक्स हो जाएगा और गोभी के ऊपर एक अच्छी सी लेयर जो है बेसन की आ जाएगी, एकदम अच्छे से कोटिंग हो जाएगी इसमें। तो इस तरह से करते हुए जो है हम लोग हाथ से इसको मिक्स करेंगे गोभी को। तो ये देखिए जो है मैंने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है बेसन को। ये देखिए एकदम से अच्छे से इसके अंदर कोटिंग हो चुकी है बेसन की। अब हम इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए अलग से रख देंगे। अब 10-15 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं। और ये देखिए हमारी जो गोभी है वो एकदम से रेडी है। तो यहाँ पे जो है इधर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा था, तो ये देखिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो तेल जो है वो एकदम से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो गोभी हमने बेसन कोट करके रखी थी वो गोभी हम इसके अंदर डालेंगे और डाल करके इसको भुनना है, हमें पकाना है इसको थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने जो है सारी की सारी गोभी इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो और इस तरह से डाल करके इसको सेलो फ्राई भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, इसको इस तरह से हल्का हल्का भून लेंगे। तो इसको धीरे धीरे हमें मिक्स करना है, अगर हम लोग ज़्यादा इसको चलाएंगे तो गोभी जो है वो टूट जाएगी बीच में से। तो इस तरह से चलाते हुए इसको जो है हल्का गोल्डन होने तक हमें इसको भूनना है। तो ये देखिए अब जो है हमारी गोभी का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है। ये देखिए इसको हल्के हाथों से हमें पलटना है, क्योंकि गोभी जो है हमारी वो लगभग आधी पक चुकी है। तो ये देखिए गोभी का कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है। अब हमें जो है गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और गोभी को एक बर्तन में निकाल लेना है। इस तरह से करते हुए मैं जो है सारी गोभी को इसमें निकाल लूंगी अलग से। अब जो है मैंने एक बर्तन में तेल गर्म होने के लिए रखा है, उसमें हम जीरा ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको जो है हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसको भी जो है हमें हल्का गोल्डन होने तक भूनना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमें प्याज को, क्योंकि ज़्यादा भुनने के बाद में प्याज का जो है टेस्ट चेंज हो जाता है। तो हम लोग इसको जो है हल्का गोल्डन होने तक ही भुनेंगे। और ये देखिए प्याज का जो है कलर वो चेंज होने लग गया है। तो हमें जो है इतना ही इसको भुनना है। इसके बाद जो मैंने दो टमाटर की प्योरी बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हमें भुनना है। जब तक कि टमाटर का पानी जो सूख नहीं जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो हम इसको ढक करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक मैं जो है यहाँ पे मैंने दही लिया है, अब हम इसमें नॉर्मली जो मसाले होते हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये दही वाला मसाला जो बना करके वो तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसमें हल्दी ऐड की है, फिर इसमें धनिया पाउडर डाला है और अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली मिर्ची यूज़ की है, आप चाहो तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि कलर बहुत सुंदर आता है सब्जी का। तो इसको जो है मिक्स कर लेंगे हम लोग मसाले में। अभी जो है हम लोग इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ
मसाला को खोल के देखते हैं। और ये देखिए इसमें जो है मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया है। तो अब हम लोग इसके अंदर जो दही का जो मसाला हमने बनाया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमें ऐड करने के टाइम में गैस की फ्लेम को जो है एकदम से धीमे आंच पे रखना है। और जैसे ही हम लोग इसके अंदर डालेंगे उस टाइम गैस की फ्लेम को फुल कर देना है और इसको फटाफट चलाना है, नहीं तो हमारा जो दही है वो फट जाएगा और दही फटना नहीं चाहिए। इसीलिए गैस की फ्लेम को हम लोग फिर से बढ़ा देंगे और इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। और जब मसाले ने तेल छोड़ दिया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जिस दही में जिस कटोरी में हमने दही वाला मसाला बनाया था उसी में पानी डाल करके हम लोग वो पानी भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर और बनाएंगे। इसके बाद ये जो है मैंने बेसन लिया है इसको मैंने भून करके अलग रख लिया था, तो ये भुना हुआ बेसन है। इस बेसन को हम लोग इसके अंदर ग्रेवी में ऐड करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और इसको थोड़ी देर ढक करके हमें पकाना है। तो ये देखिए इसने जो है तेल छोड़ दिया है ग्रेवी ने, तो अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूंगी क्योंकि मेरे को ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। और पानी हमें ठंडा इसमें ऐड नहीं करना है, हम लोग इसके अंदर गर्म पानी यूज करेंगे अगर हमें इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो अभी जो है मैंने मटर छील करके रखी थी तो वो मटर भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो है मैंने मटर इसमें ऐड कर दी है और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम लोग इसको ढक करके थोड़ी देर और पकाएंगे, लगभग 5 से 10 मिनट पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद में देखिए हमारा जो मटर है वो भी लगभग पक चुकी है और इसको हम लोग मिला करके एक बार चेक करेंगे। तो ये देखिए जो है हमारा मसाला एकदम से रेडी है। तो अब इसके अंदर हमने जो गोभी को फ्राई करके रखा था वो गोभी भी हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के लिए हमें जो हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसके अंदर अमचूर डालेंगे, अमचूर जो है इसके अंदर जो गोभी के अंदर थोड़ी हल्की मिठास होती है अमचूर उसको दूर करता है, तो उसमें एक खट्टापन आ जाता है। इसलिए हम लोग इसके अंदर अमचूर और गरम मसाला ऐड करेंगे और इसी स्टेज पे हम लोग इसके अंदर नमक भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले जो है नमक इसमें ऐड नहीं किया है, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर डालेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग ढक करके और पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है वो बन करके एकदम से परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो अब हम लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स होने के बाद में हमारी सब्जी जो है एकदम से रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये सब्जी जो बन करके तैयार हो चुकी है, इसे आप रोटी पराठा पूरी जिसके साथ भी खाएंगे ये बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।